गुड इवनिंग एवरीबॉडी। थंडरिंग ट्यूसडे की इवनिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, आपका लाइफ कोच और मेंटर प्रोफेसर जयंत बत्रा, और आप है बेटा अन अकेडमी के अनप्रेसिडेंटेड अनबिलीवेबल अनमेथोडिकल प्लेटफॉर्म पे बेटा, और कर रहे हैं बत्रा सर की मैजिकल क्लासेस, जो क्लास में बेटा कंसेप्ट क्लियर करवा देती हैं और बेटा आपको चीजें याद करवा दिया करती हैं। तो बेटा मैं पढ़ाता हूं पेपर नंबर 7 ESSM ITSM और ओल्ड कोर्स का पेपर बेटा इसका, और बत्रा सर पढ़ाते बेटा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और सीए स्टूडेंट को पिछले 32 साल और 63 CA एग्जाम अटेम्प्ट से सिंस 1989 अब तक पढ़ा दिया बेटा 2 लाख से ज्यादा बच्चा, 200 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक, और बेटा 20,000 से ज्यादा बन गया बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसमें से 800 ज्यादा तो बत्रा सर के अपने शहर जोधपुर में सर्व करता है बेटा। आप इस लेगेसी का हिस्सा बन सकते हैं इस एग्जाम के बाद में बेटा। बत्रा सर पढ़ाते पेपर नंबर 7 ESSM ITSM और ओल्ड कोर्स का पेपर बेटा इसका, और बत्रा सर की जर्सी का नंबर है बेटा 10। इस 10 नंबर की जर्सी से बेटा कमाल होता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सर कैसा कमाल होता है बेटा, जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बेटा उसमें मिलती है आपको 10% की छूट। सर कैसी छूट मिला करती है बेटा, प्लस ले लें, आइकॉनिक ले लें, कॉम्बो ले लें बेटा, इन किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने पर बत्रा सर के कोड, बत्रा सर की जर्सी के नंबर से मिलती है 10% की छूट। क्या बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल बेटा। मैं एक छोटा सा कंपैरिजन बता देता हूं आपको, व्हाट इज द डिफरेंस मार्केट में बेटा, जरा इस समय पता करना बेटा ESSM की पेन ड्राइव कितने में मिल रही है, गूगल ड्राइव कितने में मिल रही है बेटा। आप पाएंगे बेटा पूना में, दिल्ली में, मुंबई में 12 से लेकर 14,000 रुपए तक बेटा सब्जेक्ट ESSM की पेन ड्राइव या बेटा गूगल ड्राइव लोग दे रहे हैं 1.3 व्यू, 1.5 व्यू, 1.7 व्यू के साथ में बेटा। व्यू ऐसे दे रहे हैं जैसे सोना तोल रहे हैं बेटा, व्यू ऐसे दे रहे हैं जैसे सोना तोल रहे हैं। और बेटा हम अनअकैडमी पे सोचा है पढ़ाई होनी चाहिए बेटा अनलिमिटेड, तो बेटा हम 6 महीने में आपको 8 सब्जेक्ट इंटरमीडिएट के दे रहे हैं बेटा अनलिमिटेड व्यू के साथ में, अनलिमिटेड व्यू, अनलिमिटेड टीचर 12,600। तो बेटा आप एक पेन ड्राइव ले लो, गूगल ड्राइव ले लो बेटा 12 से लेकर 14,000 रुपए में बेटा 1.3 1.7 पूना से, दिल्ली से, मुंबई बेटा व्यूज के साथ में सोना तोलते हुए, या बेटा अनलिमिटेड व्यू के साथ में आप 6 महीने के लिए बेटा 12,600 में सारे 8 पेपर ले लो बेटा अनअकैडमी से, और ये मिलेगा बत्रा 10 कोड के साथ में। और मैं बता दूं बेटा हिंदुस्तान की सारी बेस्ट फैकल्टी यहीं पढ़ा रही है बेटा, बत्रा सर यहीं पढ़ा रहे हैं, विक्रम बियानी सर यहां पढ़ा रहे हैं बेटा, अंशुल अग्रवाल सर यहीं पढ़ा रहे हैं, श्रेय राठी सर यहीं पढ़ा रहे हैं बेटा, मोहित अग्रवाल सर यहीं पढ़ा रहे हैं, रवि सौंखिया सर यहीं पढ़ा रहे हैं बेटा। अरे तेरा ध्यान किधर है, तेरे टीचर इधर है, तेरा ध्यान किधर है, तेरे तो सारे टीचर इधर है भाई। तो देखो बेटा 12,600 में एक पेन ड्राइव की कॉस्ट पे सारे सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, और ये बेटा आज और कल तक है, 1 तारीख से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। कौन कौन आ गया मुझसे मिलने बेटा, प्रफुल, अरबिंदा, प्रियान, पीयूष, मधुसूदन बेहरा, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। 12 महीने का ले लो बेटा 15,750 का, 24 महीने का 18,900 का है, कोड एक ही लगता है बेटा। कोई भी कोर्स ले लो, CACS, CMA, UPSC, NEET, PG, UG बेटा, स्कूल एजुकेशन, सब पे एक ही कोड लगता है, अन अकेडमी पे एक ही यूनिवर्सल कोड है, मैजिकल कोड, बत्रा सर की जर्सी का नंबर बत्रा 10, जिससे बत्रा सर की जादू की झप्पी भी लगती है बेटा। आइकॉनिक भी आप ले सकते हैं बेटा। सर आइकॉनिक क्या है, यह आइकॉनिक बेटा, ये आइकॉनिक एक स्पेशल तरीके का कोर्स है, जिसमें अगर आप बत्रा सर का कोड लगा देते हैं जर्सी नंबर 10, तो बेटा इस कोर्स में आपको मिलती है 10% की छूट, 38,295 में ये कोर्स मिलता है बेटा आपको, और मिलता है एक पर्सनल मेंटोर जो बेटा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, और आपके जो ये एक और दो अटेम्प्ट लगते हैं ना बेटा, जो मार्केट में अगर आप 25,000 की तनख्वाह भी पा रहे होते हैं एक महीने में, तो 3 लाख रुपए की आपको बचत करा देता है। और बेटा आपको टीचर्स के मिलते हैं प्रिंटेड नोट्स, गुड आफ्टरनून बेटा गीतिका, गुड आफ्टरनून। तो बेटा आप आइकॉनिक भी ले सकते हैं, जिसमें आप अपने टीचर से डेडिकेटेड बात कर सकते हैं। प्राइसेस बढ़ने वाली है बेटा, अनअकैडमी इन प्राइसेस को बढ़ा रही है बेटा, ड्यू डेट आ गई है 1 अप्रैल 2021, जिसको बेटा प्राइसेस बढ़ा देगी अनअकैडमी। क्या बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल बेटा अनअकैडमी प्राइसेस अब ये करने वाली है बेटा 1 अप्रैल से। अभी तक बेटा आप बत्रा 10 कोड के साथ में 18,900 में 4 सब्जेक्ट फाउंडेशन के, 8 सब्जेक्ट इंटर के, 12 सब्जेक्ट पाते थे बेटा। अब आपको बत्रा 10 कोड के साथ में 21,600 में केवल 4 सब्जेक्ट फाउंडेशन के मिलेंगे, ये बेटा अंतर होने जा रहा है। क्षितिज शाही बेटा गुड इवनिंग बेटा। और अगर आप इंटर की बात करते हैं तो मेरे बच्चा इंटर में तो और कमाल होने जा रहा है। सर इंटर में क्या होने जा रहा है बेटा, बत्रा 10 कोड के साथ जहां 18,900 में आपको
4+8 सब्जेक्ट मिला करते थे, 12 सब्जेक्ट फाउंडेशन इंटरमीडिएट के, अब केवल 24,300 में आपको इंटर के 8 सब्जेक्ट मिलेंगे। तो प्राइसेस बढ़ रही है बेटा, 1 अप्रैल मॉर्निंग से ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होने जा रही है। सो बिफोर प्राइस हाइक बेटा फटाफट बत्रा सर के कहने पर अन अकेडमी से जुड़ जाए, बत्रा 10 कोड लगाए और बेटा अपनी जिंदगी को आराम में पाए। ये बैचेस है बेटा जो हमारे चल रहे हैं, 19 फरवरी से हमने शुरू किया है बेटा, ये 31 अगस्त तक जाएगा, ठीक है। अभी बेटा ये हफ्ते में 2 बार लगता है, 17 जून के बाद ये लगातार लगेगा बेटा। युक्ति गुड इवनिंग बेटा, बत्रा सर पढ़ा रहे हैं इसमें फ्राइडे सैटरडे 12 से लेकर 1:30 बजे तक, व्हाट अ बैच इट इज, 550 से ज्यादा बच्चा बेटा इस बैच में रजिस्टर्ड है और बेटा पढ़ा करता है हम लोगों से, ठीक है। और ये रहा बेटा, ये रहा बत्रा सर के पास बेटा डेडिकेशन, अब तो 415 हो गई है शायद, ये अब तो 415 हो गई है ये हेड्स बत्रा सर के पास में। चलो बाद में दिखाऊंगा 415 भी, अभी 414 ही देख लो। अनुराग जायसवाल ने दिए है और बेटा देवांश पांडे ने दिए, थैंक यू सर फॉर क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो गए बेटा, थैंक्स लॉर्ड सर, ऐसा लिख रहे हैं एस। देवांश लिख रहे हैं इट इज द सुप्रीम आर्ट ऑफ द टीचर टू अवेकन जॉय इन द क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज, थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू। तो बेटा थैंक यू सभी को बेटा, ठीक है। अच्छा और उसके बाद क्या है बेटा, बत्रा सर ने एक पर्सनल माइलस्टोन अचीव किया बेटा, आप बच्चों के प्यार की वजह से बेटा, आप देख रहे हैं 3 मिलियन वॉच मिनट पूरे कर लिए बेटा, 9 महीने हुए हैं। बत्रा सर ने 29 जून को पढ़ाना शुरू किया था बेटा आफ्टर ज्वाइनिंग एन अकेडमी, अब 9 महीने भी पूरे नहीं हो रहे बेटा, 30 लाख वॉच मिनट बच्चे देख चुके हैं। ये आप लोगों का प्यार ही है बेटा बत्रा सर के प्रति। 7K फॉलोवर्स है, 414 डेडिकेशन है, 10वीं रैंक पे बेटा बत्रा सर इकलौते ग्रुप 2 के टीचर है बेटा जो इस रैंक पे हैं, 488 वॉच मिनट पिछले 30 दिन में, थैंक यू इंडिया। बत्रा सर का नया टाइम टेबल देख लो मेरे बच्चा लोग, कितने बजे मिलते बेटा बत्रा सर, 12:30 बजे मिला करते बेटा बत्रा सर आप लोगों से, पहली बार बलिए दिन के 12:30 बजे बेटा बत्रा सर मिलते हैं फ्लो चार्ट कराने, 2:30 बजे आपको मिला करते बेटा EIS और IT कराने, रात को 10:30 बजे फिर एक बार आएंगे बेटा EIS और IT कराने, अभी 4:30 बजे आते हैं बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाने। ये रहे बेटा टाइम टेबल के साथ में, देखो बेटा 12:30 बजे मिलते हैं आपको फ्लो चार्ट कराने के लिए, और बेटा EIS और IT कराने के लिए मिलते हैं 2:30 बजे EIS और IT कराने के लिए, एक तो 2:30 बजे और एक रात को 10:30 बजे, और बेटा 4:30 बजे आते हैं YouTube के ऊपर SM कराने के लिए, बत्रा 10 कोड लगाइए और जिंदगी को अपने आसान बनाइए। ये बेटा हम एक ड्रीम बैच शुरू कर रहे हैं, बेटा इट इज अ फास्ट ट्रैक बैच, बत्रा सर बेटा इसमें पढ़ाने के लिए आएंगे बेटा, बत्रा सर इसमें पढ़ाने के लिए आएंगे 1 अप्रैल से बेटा, 1 अप्रैल से पढ़ाने आएंगे 2 से लेकर 3:30 बजे तक, 2 से लेकर 3 बजे 3:30 बजे तक बेटा, ये सारे फ्री हैं बेटा, बिल्कुल दे आर फ्री गीतिका, दे आर फ्री। सब्सक्रिप्शन वाला सब्सक्रिप्शन मॉडल में चलता है बेटा, वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, उसमें बेटा सारे कोर्स करवाते हैं, पूरा पार्ट कराते हैं, यहां पे तो बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिक किए जाते हैं, सारी चीजें नहीं हो पाती है, ठीक है। ये बेटा आपके पास अवेलेबल होंगे, अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करना चाहते हैं गीतिका तो आपको प्लस ज्वाइन करना चाहिए, यहां पे तो बेटा हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिक करेंगे। आप चाहते हैं पूरा कोर्स आपका हो जाए तो आपको आना पड़ेगा प्लस में सब्सक्रिप्शन मॉडल में। विकास गोस्वामी भी आ गए बेटा, चलिए अच्छी बात है बेटा, तो मोस्ट अवेटेड बैच है, फटाफट इनरोल करें बेटा। मैंने इस चैट बॉक्स के सबसे टॉप में लिंक भी दे रखा है बेटा, उस पर क्लिक करके आप इस कोर्स को फ्री में इनरोल कर सकते हैं। सर क्या मिलेगा इसमें बेटा, इसमें कंप्लीट कंसेप्चुअल रिवीजन मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, इसके अलावा RTP MTP और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्टडी और रिवाइज करेंगे विद लेजेंडरी एजुकेटर बत्रा सर पढ़ाएंगे, मोहित अग्रवाल सर पढ़ाएंगे बेटा, आप अपने रिजल्ट से पहले इन्हें कर पाएंगे, और बेटा ये है आपके लिए फ्री फ्री और फ्री। बात आई क्या सबको समझ में, बोलो जी हां। तो बेटा सबको समझ में आ चुकी है ये बातें, बहुत अच्छी बात। हम नहीं करते कोई गंदी बात, हम करते हैं केवल अच्छी बात बेटा। चलिए मतलब बच्चा लोग शुरू करते हैं बेटा, आगे शुरू करते हैं। मैंने कहा था बेटा मैं आपको दिखाऊंगा 415वीं हेट, ये रही बेटा 415वीं हेट आ चुकी है बत्रा सर को, देखो किसने दिए बेटा, सूरज कुमार ने दिए 2 घंटे पहले, थैंक यू सर, व्हाइट हेट दिए बेटा।
ठीक है, तो धन्यवाद बेटा सूरज। 415 हैट आ गई हैं, 414 से हैट आगे बढ़ चुकी हैं बेटा। चलिए मेरे बच्चा लोग शुरू करते हैं, हम लोग अंतिम चैप्टर में बेटा स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, और हमने लास्ट टर्न पे पढ़ना शुरू किया था बेटा स्ट्रेटजिक चेंज को। क्या पढ़ना शुरू किया था बेटा हमने? स्ट्रेटजिक चेंज को पढ़ना शुरू किया था। याद आ रहा है क्या बेटा सबको? थोड़ा बहुत जल्दी से मुझे बताएंगे बेटा, क्या थोड़ा बहुत याद आ रहा है आपको? कल हमने आपको बताया था बेटा स्ट्रैटेजिक चेंज जो होता है वो है आपके एनवायरनमेंट में होने वाले परिवर्तनों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट करना, और इसके लिए हम पढ़ेंगे 3 स्टेप 3 फेजेस और बेटा 3 मेथड्स को। कल हमने पढ़ना शुरू किया था तो बेटा हमने आपको बताया था इसके बारे में कि COVID-19 की सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने जब बेटा लगा दी थी बेटा पूरे देश भर में एक तरीके से आने जाने पे पाबंदी, तो बेटा अनअकैडमी ने इसको एक अवसर के तौर पे लिया और बेटा ऑनलाइन एजुकेशन को घर घर तक पहुंचा लिया। तो बेटा अपने आप में परिवर्तन करना पड़ा ना, और जो फेस टू फेस पढ़ाते थे टीचर उन्होंने भी बेटा अपने सर्वाइवल के लिए क्या किया बेटा, अपने आप को मोल्ड किया, और उन लोगों ने भी ऐप के माध्यम से और बेटा वेबसाइट के माध्यम से आपको लेक्चर्स देने शुरू किए बेटा, ऑनलाइन हो गए वो सारे लोग। तो समय के अनुसार परिवर्तन करना स्ट्रेटेजिक चेंज का हिस्सा है, वरना बेटा दुनिया आपको बदल के रख दिया करती है। कल हमने डिस्कस किया था इसके 3 स्टेप हुआ करते हैं बेटा। पहला था रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, जरूरत क्या है परिवर्तन की, कोविड मिलने नहीं देता है, फेस टू फेस होने नहीं देता है, इसलिए ऑनलाइन पे जाना पड़ेगा। सेकंड था क्रिएट ए शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंज, तो बेटा हमको आपस में मिलजुल कर एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा जिसको हम लागू करना चाहते हैं, तो सब लोग मिलकर ब्रेन स्टॉर्म करते कंपनी के आगे के बेटा फ्यूचर को डिसाइड करते, इसको कहते हैं शेयर्ड विजन। यहां एक चीज और होती है विजन शेयर्ड, तो बेटा दोनों में अंतर क्या है? शेयर्ड विजन का मतलब होता है आप सब लोग मिलकर एक कॉमन कंसेंसस पे पहुंचते हो कंपनी को आगे 3 से 5 साल में कहां ले जाना है, इसमें सबके इनपुट शामिल होते हैं, एक डेमोक्रेटिक तरीका है जिसमें सबकी सुनी जाती है और फिर उसके बाद में एक विजन बनता है। लेकिन विजन शेयर्ड का मतलब होता है टॉप मैनेजमेंट ने जो कुछ सोच लिया है उसको ग्राउंड लेवल पे लागू करने के लिए दे दिया है, मतलब हमने विजन बना दिया है तुम इसे लागू करो, थोप दिया जाता है, इसको ऑटोक्रेटिक तरीका कहते हैं। तो बेटा शेयर्ड विजन डेमोक्रेटिक तरीका है, विजन शेयर्ड बेटा ऑटोक्रेटिक तरीका है, एक में बेटा सब मिलजुल के बात करते हैं, एक में केवल टॉप मैनेजमेंट बात किया करती है। तो अंतर पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्ड विजन एंड विजन शेयर्ड, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तीसरा होता है बेटा इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दो अपने चेंज को, इसको हम कहते हैं बेटा इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, ताकि हम स्लिप बैक करते हुए पुराने मेथड पे वापस न जाने पाए, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा उसे बना लें, और इसी को ऑनलाइन कहते हैं बेटा। अब ऑनलाइन के फायदे ही फायदे बेटा, सबसे पहले घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है बेटा, घर पे बैठे बैठे ही सब काम हो जाता है आपका। करना क्या है बेटा, आपके पास में मोबाइल फोन वही है, एक ही क्लास खत्म होती है दूसरे का नोटिफिकेशन आता है। अनअकैडमी बेटा बहुत बढ़िया तरीके का सिस्टम देती है, आप इमीडिएटली उसकी क्लास कर लेते हैं, फिर बेटा क्लासे लाइव भी हो जाती है और क्लासे अवेलेबल है बेटा, आप रिकॉर्डेड भी इनको देख सकते हो, क्लासों में टीचर आपके लाइव डाउट सॉल्व को किया करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, MTP RTP बताते हैं, हिंदुस्तान के सारे बेस्ट एजुकेटर आपको मिलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई की जाती है, इवन सैटरडेज और संडेज के दिन भी पढ़ाई होती है बेटा, आपके टेस्ट पेपर्स लिए जाते हैं, इतना बेटा कहां मिलेगा? तो मुझे बताओ कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट फेस टू फेस में भी इतना नहीं दे सकता। अच्छा सबसे खास बात है अनलिमिटेड व्यू मिलते हैं, सबसे खास बात है एक नहीं कई सारे टीचर पढ़ने को मिलते हैं, क्या ये किसी फेस टू फेस अकेडमी में मिल सकता है? हमें नहीं मिल सकता, इसलिए बेटा अब ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जिसको एक बार ऑनलाइन पढ़ने का आनंद आ गया वो बेटा मरिए ही अब जानबूझ के बेटा कोशिश भी कर लो तो फेस टू फेस नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में है बहुत मजा, और इसीलिए मैं कहता हूं वर्चुअल्स इज द न्यू रियलिटी, अब ऐसे ही चलेगा, टीचर अपने स्टूडियो से पढ़ाएगा और पूरे देश और दुनिया भर में बच्चे उससे पढ़ेंगे। सो दिस इज चेंज विल स्टे, चेंज अब रहने आ गया है, परमानेंट रहने आ गया है। संकेत गुड इवनिंग बेटा। गीतिका पूछ रही है सर वेयर विल बी गेट द नोट्स ऑफ द लेक्चर, बेटा दीज आर ICI मॉड्यूल्स, ICI के मॉड्यूल्स हैं बेटा, और गीतिका आपको नोट्स चाहिए तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो, उसमें बेटा आपको टीचर के प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, केवल मेरे ही नहीं सबके बेटा, ठीक है, आपको आइकॉनिक लेना पड़ेगा, बाकी नहीं तो ICI के मॉड्यूल से पढ़े बेटा, ICI के मॉड्यूल में ही है सब कुछ। हेमंत जांगड़ा आ गया, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज मीन्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ चेंज स्ट्रेटजी, वेरी गुड बेटा, गुड इवनिंग श्वेता, गुड इवनिंग बेटा,
बहुत अच्छी बात। तो इतना अपन ने पढ़ा था, सबको समझ में आ गया। फटाफट से चैट बॉक्स में यस सर यस सर यस सर लिख दो मेरे बच्चों, तो मैं चलूं इससे अग्गे अग्गे अग्गे। युक्ति ने लिख दिया, हेमंत ने लिख दिया, बाकी बच्चे भी लिख दो भी फटाफट। बहुत बढ़िया बेटा संकेत। तो युक्ति, हेमंत, संकेत, क्षितिज, बाकी बच्चे भी फटाफट कह दो, तो हम इससे आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। चलिए 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 बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ चुके हैं तीन स्टेप को। अब बेटा यहां आ जाते हैं कर्ट लेविन। यहां कौन आ जाते हैं बेटा? यहां आ जाते हैं कर्ट लेविन। कर्ट लेविन क्या कहते हैं बेटा? यहां पे कर्ट लेविन कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका चेंज लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, आपका चेंज लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, तो कर्ट लेविन ने तीन फेजेस सुझाए हैं बेटा। कर्ट लेविन कहते हैं तीन फेजेस में काम करो। टू मेक द चेंजेस लॉन्ग लास्टिंग, कर्ट लेविन प्रपोज द थ्री चेंजेस ऑफ चेंज प्रोसेस फ्रॉम मूविंग द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। अगर आप चाहते हो चेंज आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाए, ये वापस परिवर्तित ना हो, तो बेटा आप इसे अपने हिस्सा बनाने के लिए तीन फेजेस में चले बेटा। तीन फेजेस कौन से बेटा? सबसे पहले अपने आप को अनफ्रीज करो, फिर चेंज करो न्यू सिचुएशन पे, फिर बेटा रीफ्रीज करो। सर समझ में नहीं आया बेटा? तीन स्टेप हैं जिनके नाम है अनफ्रीज, फिर है चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, और फिर है रीफ्रीज। बेटा पहले जमाने में लोग बच्चे गेम खेला करते थे, बर्फ पानी, हिंदी में कहते हैं बर्फ पानी, अंग्रेजी में उसको कहते हैं आइस वाटर। अगर आप कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं तो बेटा एक गेम होता है आइस वाटर, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, किसी को स्टैच्यू कर देते हैं, किसी को रिलीज कर देते हैं बेटा। ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा उसी तरीके का काम कर्ट लेविन कह रहा है। आप पुराने ओल्ड कस्टम ट्रेडिशन को छोड़ दो, इसको कहते हैं अनफ्रीज करो, अपने आप को फ्री कर दो पुराने मेथडोलॉजी काम करने के तरीकों से। सर फिर क्या करें? एक बार फ्री कर दो तो उसके बाद नए तौर तरीके अपना लो। जैसे फेस टू फेस को छोड़ दो, फेस टू फेस में रोज घर से निकल के कुछ दूर चल के आता है ट्यूशन सेंटर, इसको बंद करना पड़ेगा बेटा आपको। अब मैं बता रहा हूं बेटा कैसे फेस टू फेस से ऑनलाइन में जाएंगे बेटा, ठीक है? घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आता है ट्यूशन सेंटर। समय तो लगता है ना बेटा, घर से निकलना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, गाड़ी में पेट्रोल देखना पड़ता है, और फिर ट्यूशन सेंटर जाना पड़ता है, और फिर क्लास से खत्म हो जाने के बाद वहां से आना पड़ता है, बीच में खाना खाने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन बेटा नया तरीका क्या है? आप इनको छोड़ दो, न तो घर से निकलना है, न बेटा कुछ दूर चलना है, घर पे ही बैठे बैठे पढ़ना है बेटा। तो हमने दूसरा तरीका अपना लिया, चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन। सरकार ने कहा घर में बैठे रहो, हमने कहा कोई बात नहीं, अनअकैडमी तो है ही ना, सुबह से शाम तक क्लासे बीम करती रहती है ऐप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हम दोनों जगह से पढ़ेंगे बेटा, और दोनों जगह से पढ़ के हम लोग सब कुछ चीजें प्राप्त कर लेंगे। तो हमने किया चेंज टू न्यू सिचुएशन। सर अब क्या करें? कोविड खुल गया, तो बेटा कोविड के बाद में सरकार ने वापस से परमिशन दे दी, कई लोगों ने फेस टू फेस लगाई, लेकिन कई लोगों ने ऑनलाइन पर ही अपना जाना पसंद कर दिया। अब वो बेटा घर से निकलते ही नहीं है, कुछ दूर चलते ही नहीं है, घर बैठे बैठे पढ़ जाते हैं बेटा। और ये नए तरीकों को क्या किया आपने? रीफ्रीज कर दिया। मतलब मैं तो सुबह उठूंगा, सर्दी के दिनों में कितना आनंद है मेरे को बताओ बेटा, मुझे तो मालूम है बेटा, बत्रा सर तो खुद फेस टू फेस पढ़ा चुके हैं बेटा। सुबह सुबह 6 बजे क्लास के लिए बेटा बच्चे को 5 बजे रजाई में से निकलना पड़ता था, वहां से निकल के बेटा आना पड़ता था, कुछ लोग नहा धो के आते थे, कुछ बिना नहाए धोए आते थे बेटा, कितना मुश्किल का समय। आजकल कितना बढ़िया फायदा है, सुबह 6-7 बजे क्लास लग रही है अनअकैडमी की, रजाई में बैठे बैठे ही आराम से सुन सकते हो, देख सकते हो बेटा। रात को 9 बजे क्लास खत्म हो रही है, आपके कर्फ्यू लग रहा है, आपको चिंता की जरूरत नहीं है बेटा, घर बैठे बैठे ही पढ़ सकते हो। आपने नई सिचुएशन में अपने आप को रीफ्रीज कर दिया। तो कर्ट लेविन कहता है तीन काम करो भाई। पहला, अपने आप को पुरानी स्थितियों से अलग कर लो, अनफ्रीज। उसके बाद नया तौर तरीका अपना लो, चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन। फिर इस नए तौर तरीके को फिक्स कर दो, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दो, रीफ्रीज। समझ में आया क्या बेटा? आइस एंड वाटर का गेम, बर्फ पानी का गेम, स्टैच्यू वाला गेम, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बेटा, मुझे बताओ बेटा। संकेत कहता बहुत मजा आता था आइस वाटर खेलते हुए स्टैच्यू वाले गेम में।
क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बेटा। बत्रा सर ने जो बताया वो क्लियर है कि नहीं है? युक्ति ने कह दिया, श्वेता ने कह दिया, बाकी बच्चे भी कह दो बेटा। 18 लोग इस समय लाइव है मेरे साथ में, तो बेटा फटाफट से चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करें ताकि मुझे पता चले बेटा मैं एक लाइवली जीवित क्लास में हूं। विकास गोस्वामी मैंने कह दिया, वेरी गुड वेरी गुड। युक्ति, श्वेता, विकास, फटाफट बाकी लोग भी कह दो भाई। अरे कह दो ना, समझ में आ गया। हाँ हमें समझ में आ गया। अरे कह दो ना, समझ में आ गया। हाँ हमें समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। संकेत ने आगे और उसके बारे में डिटेल दे दी है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा, अच्छा बत्रा सर बेटा इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल यूज करते हैं बेटा, क्योंकि बत्रा सर आपको मालूम है बेटा लाइव किचन एग्जांपल देने के लिए मशहूर है बेटा। तुरंत एक नया एग्जांपल बना देते हैं या बेटा जिंदगी के एग्जांपल बता देते हैं। मैं एक बार बेटा अपने जोधपुर में, मेरी एकेडमी है बेटा, बत्रा सर खुद एक एकेडमी चलाते हैं बेटा जोधपुर में, तो बत्रा सर अपनी एकेडमी से रात को 9 बजे गर्मी के दिनों में बेटा घर लौटे, और मेरे दोनों सन बेटा मेरे, आई हैव टू सन्स, टू किड्स है मेरे दोनों, इस समय बेटा आप काफी बड़े हो चुके हैं, तो दोनों बेटा मेरे, मेरा इंतजार कर रहे थे घर पे। बेटा मैंने गाड़ी रोकी और दोनों बोले पापा आइसक्रीम खानी। अब बेटा मेरे घर के फ्रिज में अक्सर बेटा वनीला आइसक्रीम तो पड़ी रहती है गर्मी के दिनों में, क्योंकि वो फ्लेवर मुझे भी पसंद है और मेरे फादर साहब को भी बड़ा पसंद है, तो वनीला प्लेन व्हाइट तो फ्लेवर पड़ा रहता है। बच्चों ने कहा नहीं हमें तो अमेरिकन नट्स वाली आइसक्रीम खानी है, तो हमें तो अमेरिकन ड्राई फ्रूट और नट्स वाली आइसक्रीम दिलाओ। अब बेटा मैं रात को 9 बजे गाड़ी में बैठा के उनको ढूंढने निकला बेटा, और 2-3 जगह गया, वो पर्टिकुलर फ्लेवर उस दिन उपलब्ध नहीं था, पता नहीं क्या कारण बेटा। अब बेटा बच्चे तो अड़ गए, खाना है तो वही खाना है। अब बेटा बत्रा सर भी कहां हार मानने वाले, बत्रा सर तुरंत घर लौटे और मिसेस को बोला अपने पास वनीला आइसक्रीम पड़ी है, उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा बाहर निकालो उसको, बाहर निकाला और उसको पिघला दिया बेटा। कर्थ लेवन का पहला सिद्धांत आ गया, अनफ्रीज कर दिया हमने बेटा उसको, पिघला के पानी बना दिया हमने बेटा उस आइसक्रीम को, पिघला दिया। सर फिर क्या किया आपने? अब बेटा मैंने उसको न्यू सिचुएशन पे चेंज किया, उसमें बेटा मैंने गुरुजी का रोज डाल दिया, कुछ ड्राई फ्रूट घर में पड़े थे बेटा उनको काट के और उस आइसक्रीम के अंदर डाल दिया, गुरुजी का रोज और जो ठंडाई 2-4 फ्लेवर डाल के बेटा उसको नया श्वेत दे दिया। फिर क्या किया सर आपने? अब बेटा वो व्हाइट कलर का जो मेरा वनीला था अब वो कलरफुल हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए। मैंने कहा डालो इसको वापस फ्रिज के अंदर, और आधे घंटे बाद बेटा वापस निकाला तो बेटा वो बत्रा सर की बनाई हुई ड्राई फ्रूट की अमेरिकन नट्स जैसी आइसक्रीम हो गई। बच्चों ने खूब चाव से खाया बेटा, और बत्रा सर ने कर्ट लेवन का सिद्धांत अपनाया बेटा। क्या किया? पहले फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल के पिघला दी, उसकी स्थिति चेंज कर दी, अनफ्रीज कर दी। ओल्ड कस्टम ट्रेडिशन छोड़ दो, काम के नहीं है, नया अपनाएंगे। फिर हमने नया अपनाया बेटा, उसके अंदर गुरुजी की ठंडाई डाली, गुरुजी का रोज डाला, उसके अंदर ड्राई फ्रूट डाले, चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन। और उसके बाद बेटा क्या किया? वापस में फ्रीजर में डाल के रीफ्रीज कर दिया, और जब निकाल के खाया तो बेटा वो एक नए प्रकार की, नए फ्लेवर की आइसक्रीम थी। बत्रा सर ने एक लाइव किचन एग्जांपल से आपको समझाया बेटा क्या होता है कर्ट लेविन का सिद्धांत। बत्रा सर ऐसे ही पढ़ाते हैं बेटा, क्योंकि बत्रा सर हैं ऑटोमेशन और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। जिंदगी के अनुभवों से, जिंदगी के एक्सपीरियंस से जो बेटा पिछले 32 सालों में और 63 एग्जाम अटेम्प्ट में उनके पास है, उनसे बेटा आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं बेटा, और इसीलिए पहली बार में आपको बात समझ में जाती है। अब जिंदगी भर नहीं भूलोगे बेटा बत्रा सर के वनीला आइसक्रीम के एग्जांपल को। गुरु कृपा आ गई बेटा। हेलो बेटा, हेलो पुनीत खन्ना पुजारी, नमस्ते बेटा, नमस्ते सभी को। तो बत्रा सर का एग्जांपल कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा? अच्छा लगा, कांटा लगा, कांटा लगा, अच्छा लगा, बताए बेटा। रमन खन्ना आ गए। युक्ति बोल रही है बहुत मस्त लगा सर। श्वेता कह रही है ग्रेट सर।
तो बेटा बत्रा सर ने आपको बता दिया, आप अपने घरों में यूज कर सकते हो, और इसका कोई बेटा मैं रॉयल्टी नहीं मांगूंगा, चिंता मत करो। और इधर संकेत ने समरी लिख दी है, हेमंत जांगड़ा कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा जी, कल्पना खन्ना भी आ गए, रानी शर्मा कह रही है सर मैं तो 12th साइंस मैथ से हूं, सीए का कोर्स करना है नेक्स्ट ईयर। बहुत अच्छे बेटा, फटाफट से बत्रा 10 कोड लगाओ और बेटा ले लो, प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। विकास गोस्वामी को मस्त लगा। एहसान खान आ गए, नमस्ते बेटा, नमस्ते आपको, नमस्ते बेटा। चलो आगे बढ़े बेटा, तो आपको समझ में आ गया बेटा अनफ्रीज क्या होता है, रीफ्रीज क्या होता है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड बेटा। चलो अब बेटा जब चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन करते हैं, तब बेटा एच सी कैलमैन नाम के एक नए व्यक्ति प्रकट होते हैं। बेटा एच सी कैलमैन कहते हैं कि मेरे पास 3 मेथड है, तो आपकी न्यू टू चेंज सिचुएशन होने का काम बढ़िया हो जाएगा बेटा। और इसमें हम 3 चीजें लाते हैं बेटा, इसको कहते हैं कंप्लायंसेज, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। पहले को कहते हैं हम कंप्लायंसेज, दूसरे को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, तीसरे को कहते हैं बेटा इंटरनलाइजेशन। अब कंप्लायंसेज का मतलब क्या होता है, कंप्लायंसेज का मतलब होता है कि आप नए तौर तरीकों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाओगे, नियम कायदों को मानोगे बेटा। सो इट इज अचीव्ड बाय स्ट्रिक्टली इन्फोर्सिंग द रिवार्ड एंड पनिशमेंट स्ट्रेटजी, कि आप नए तरीके पे चल के ही उसको फॉलो करोगे तो हम रिवार्ड देंगे, कंपनसेट करेंगे, नहीं होंगे तो पनिशमेंट भी देंगे बेटा। इसको कहते हैं कंप्लायंसेज ऑफ न्यू मेथोडोलॉजी। सेकेंड है बेटा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है मेंबर्स आर साइकोलॉजिकली इंप्रेस्ड अपॉन टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद सम गिवन रोल मॉडल। अब बेटा आपको नए तौर तरीकों से अपना लेना, जैसे पहले टीचर, पहले पुराना वाला टीचर जो फेस टू फेस जाता था, हो सकता है बेटा ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता हो, या हो सकता था वहां जाता था तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हो, लेकिन अब का नया टीचर, टीचर तो वही है लेकिन अब वो ऑनलाइन पढ़ाएगा बेटा। अब वो क्या करेगा बेटा, एक जो कंप्यूटर स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड खुल जाएगा, या बेटा जैसे मैं यूज कर रहा हूं नोटपैड, ये एक सॉफ्टवेयर होता है बेटा वन नोट करके माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं बेटा, उसमें फाइल इंपोर्ट कर देता हूं जिससे मुझे पढ़ाना होता है बेटा, और उसी पे बेटा इस मार्कर के माध्यम से मैं पढ़ा दिया करता हूं बेटा। तो मैंने अपने आप को एक नए रोल मॉडल में डाल दिया, नाउ आई एम ऑनलाइन टीचर। अब मैं फेस टू फेस वाला टीचर नहीं रहा, अब मैं कैसा टीचर हो गया हूं बेटा, नए रोल में ढल गया हूं, ऑनलाइन टीचर हो गया हूं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाता है बेटा, जो केवल टेक्स्ट ही नहीं पढ़ाता साथ में वीडियो भी दिखा देता है, और उसके साथ साथ चीजों को इंप्रेस करके अच्छा बनाने में आपकी मदद किया करता है। तो बेटा अपने आप को साइकोलॉजिकल एक रोल में मान दो। तीसरा होता है इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन का मतलब होता है अब आपके बेटा ये थॉट प्रोसेस में जाना चाहिए, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए, इसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएंगे और इसे रोजमर्रा की जिंदगी में काम में लेंगे बेटा। इंटरनलाइजेशन इन्वॉल्व सम इंटरनल चेंजिंग ऑफ द इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू ए न्यू एनवायरमेंट, दे हैव गिवन द फ्रीडम टू लर्न एंड अडॉप्ट न्यू बिहेवियर इन ऑर्डर टू सक्सीड इन द न्यू सर्कमस्टेंसेस। तो आपको नए तौर तरीके अपना के काम करना पड़ेगा जिससे आपका काम बेटर हो सके, और इस तरीके से आप बेटा अपने काम को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। बात आई क्या सबको समझ में बेटा, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है बेटा। हम पहले अपने आप को अनफ्रीज करते हैं, उसके बाद बेटा चेंज टू न्यू सिचुएशन करते हैं, फिर रीफ्रीज करते हैं, और बेटा वापस से स्थिति आती है और हम वापस से बेटा आ जाया करते हैं पहली स्थिति पे जहां फिर से हमें अनफ्रीज करना होता है। बात आई क्या सबको समझ में बेटा, बात आई क्या सबको समझ में, क्लियर है? रीफ्रीजिंग का मतलब क्या, रीफ्रीजिंग अकर्स व्हेन न्यू बिहेवियर बिकम्स अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। अब ऐसे ही काम करना पड़ेगा। तो बेटा ये चेंज प्रोसेस जो है ये वन टाइम वाला अपनाने का नाम नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसमें डायनामिज्म होता है और ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता है। तो बेटा ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एमसीक्यू में याद रखना, साइक्लिकल प्रोसेस है, ये एमसीक्यू में याद रखना बेटा। लोग कहते हैं दुआओं में याद रखना, बत्रा सर कहते हैं बेटा एमसीक्यू में याद रखना, लोग कहते हैं दुआओं में याद रखना, बत्रा सर कहते हैं एमसीक्यू में याद रखना। बात आई क्या सबको समझ में,
तो सभी को समझ में आ गया, बोलो हाँ बोलो हाँ बोलो हाँ। किरण प्रजापति कह रहे हैं सर ये लेक्चर YouTube पे अपलोड होगा। बिल्कुल बेटा, इस क्लास के खत्म होने के बाद ये आपको YouTube पर मिल जाएगा। सारे लाइव लेक्चर खत्म होने के बाद में YouTube पे अवेलेबल हो जाते हैं। पुराने भी पढ़े हैं बेटा, इनको भी आप देख पाओगे। चलिए आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमने कितने सवाल कर लिए इंपॉर्टेंट जो थे, हमने कितने सवाल कर लिए जो इंपॉर्टेंट थे बेटा। हमने बेटा पहला सवाल कर दिया स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन वाला जो इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने दूसरा सवाल किया बेटा स्ट्रेटजिक चेंज वाला, May 21 क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ये कर लिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे 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 आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट बेटा May 21 के लिए। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्या होता है या व्हाट इज कंट्रोल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल के बारे में बेटा जानकारी दीजिए। तो बेटा जैसे कि हम लोग EIS में भी काफी सारा पढ़ के आए, कंट्रोल क्या है बेटा, कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके बिना मैनेजमेंट रेगुलेट और चेक भी नहीं कर सकती बेटा। तो आपके जिंदगी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में कंट्रोल का होना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, कंट्रोल क्या है, कंट्रोल्स आर पॉलिसीज प्रोसीजर्स मेथोडोलॉजी एंड गाइडलाइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय विच वी प्रिवेंट द अनडिजायरेबल इवेंट फ्रॉम अकरिंग। If they occur, we detect them and we correct them so that it provides us reasonable assurance that desired objectives will be achieved. हर कंट्रोल का मकसद होता है रेगुलेट और चेक करना, ताकि बेटा बिजनेस के ऑब्जेक्टिव जो आप अचीव करना चाहते हैं वो उसी निर्धारित समय में अचीव कर दिया जाए। ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ में भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल होते हैं, जो आगे चल के पढ़ेंगे हम, तीन प्रकार के होते हैं बेटा। तीन प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में हम देखेंगे बेटा कैसे कंट्रोल के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को राइट ट्रैक पे रख दिया करती है। तो कंट्रोल क्या है बेटा, कंट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का सबसे अहम हिस्सा है बेटा। इट इज ऑफन रिगार्डेड एज कोर ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। ये बेटा मुख्य है, कोर है हमारा। ठीक है, कंट्रोल इज इंटेंडेड टू रेगुलेट एंड चेक। इससे चीजों को रेगुलेट और चेक किया जाता है। इससे हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कंडीशन एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज वर्किंग पैटर्न ऑफ द ह्यूमंस। सभी को नियंत्रित किया जा सकता है बेटा। कंट्रोल का मुख्य मकसद होता है मॉनिटरिंग करना और चीजों को नापना, मेजरिंग करना रिजल्ट को, ताकि अगर वो अपने प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हो तो उन्हें नियंत्रित किया जा सके बेटा। मैं बताता हूं बेटा कंट्रोल सिस्टम के लिए क्या चीज आइडेंटिफाई होनी चाहिए। हर कंट्रोल सिस्टम ये इंश्योर करे कि ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम के डिफाइंड होनी चाहिए। उनमें एक मैकेनिज्म होना चाहिए मॉनिटरिंग और मेजरिंग का, उसमें एक मैकेनिज्म होना चाहिए कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद द रिजल्ट व्हिच आर डिसाइडेड, उसमें एक मैकेनिज्म होना चाहिए फीडबैक और करेक्टिव एक्शन का। तो बेटा कंट्रोल का होने का कोई सिग्निफिकेंस भी है। अगर ये सब चीजें मौजूद है तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्ड मैनर में काम कर रही है, वरना हम कहेंगे बेटा ऑर्गेनाइजेशन में काम में प्रॉपर नहीं है। बात आई क्या बेटा सबको समझ में, बात आई क्या सबको समझ में। अब बेटा तीन प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल हम देखेंगे, ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। शॉर्ट में अपन इसको ऑसम कह सकते हैं बेटा। ऑपरेशनल से ओ, स्ट्रेटेजी से एस और मैनेजमेंट से एम, ऑसम होते हैं बेटा हमारे। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कैसे होते हैं बेटा, ऑसम हुआ करते हैं, ऑसम हुआ करते हैं बेटा। हम चैप्टर नंबर 1 EIS में इनके बारे में बात कर चुके हैं बेटा। ऑपरेशनल कंट्रोल आपको पता हो तो बेटा दो प्रोसेस पढ़े थे, ऑर्डर टू कैश एंड प्रोक्योर टू पे। ये कौन से थे बेटा, ऑपरेशनल थे EIS चैप्टर 1 में। तो बेटा ऑपरेशनल का मतलब होता है इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल एक्टिविटी, एक इंडिविजुअल बेटा काम, उसके ऊपर लगने वाला कंट्रोल कहलाता है ऑपरेशनल कंट्रोल। और अगर ऐसे सारे इंडिविजुअल को मिला के एग्रीगेट किया जाए तो बेटा उससे बनता है मैनेजमेंट कंट्रोल। जैसे मैं कहूं बेटा, जैसे मैं कहूं एक इंडिविजुअल आइटम का, एक इंडिविजुअल आइटम का लेवल मिनिमम लेवल से नीचे चला गया, डेंजर लेवल से नीचे चला गया बेटा, तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली उसको रीऑर्डर करके मंगवाने की कोशिश करेंगे। ये तो हुआ इंडिविजुअल आइटम का। लेकिन कल को जितना भी स्टॉक मेरे पास मौजूद है उन सब के इस तरीके से लेवल
मेरे मिनिमम रीऑर्डर लेवल से नीचे चले जाएं तो मुझे सबको मंगवाना पड़ेगा बेटा। तो इंडिविजुअल जब तक होता है वो ऑपरेशनल कंट्रोल होता है, लेकिन जब टोटालिटी में सबको एक साथ देखते हैं बेटा तो हम इस टोटल को एग्रीगेशन कहते हैं, और एग्रीगेशन का नाम है मैनेजमेंट कंट्रोल। तो ऑपरेशनल कंट्रोल एक एक्टिविटी पे लगता है, जबकि मैनेजमेंट कंट्रोल पूरे डिवीजन पे, पूरे फंक्शन पे लगा करता है। वो इकलौता होता है, ये सारी चीजों का ग्रुप होता है। वो इंडिविजुअल है, ये बेटा कंबाइंड है, वो छोटी चीज है, और मैनेजमेंट कंट्रोल बेटा बड़ी चीज हुआ करती है। बात आई क्या सबको समझ में? भरत आई गयो तू? राम राम बेटा, प्रणाम आशीर्वाद है तने। चलो तो ऑपरेशनल कंट्रोल क्या है बेटा? इट इज ऑन द इंडिविजुअल टास्क और ट्रांजेक्शन एज अकोज अगेंस्ट टू टोटल और मोर एग्रीगेटिव मैनेजमेंट फंक्शन। स्पेसिफिक आइटम ऑफ द इन्वेंट्री के लिए हमारा ऑपरेशनल कंट्रोल लगेगा, जबकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे जिसमें मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, ईओक्यू सब कुछ रहेंगे, तो उसको अपन बेटा कहेंगे मैनेजमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट है बेटा मैनेजमेंट कंट्रोल। कंपेयर्ड विद ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल इज मोर इंक्लूसिव, बहुत सारी चीजें शामिल होती है, मोर एग्रीगेटिव, और इसमें पूरा डिवीजन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल किया जा सकता है। जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टॉक कंट्रोल जिसको कहते हैं बेटा, वो पूरा का पूरा लगा हुआ है, जिसके अंदर मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, ईओक्यू सब शामिल हो, तो बेटा वो कहलाएगा मैनेजमेंट कंट्रोल। लेकिन अकेला मिनिमम लेवल का कंट्रोल है ऑपरेशनल, अकेला मैक्सिमम लेवल का है ऑपरेशनल, अकेला डेंजर लेवल का है ऑपरेशनल, अकेला ईओक्यू है तो क्या है बेटा ऑपरेशनल, अकेला एबीसी एनालिसिस है क्या है बेटा ऑपरेशनल है। लेकिन इन सबको जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा बेटा हमारा? इंटीग्रेटेड कंट्रोल, मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल। बात आई सबको समझ में बेटा? तीसरा कंट्रोल होता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है ये देखना कि जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई थी क्या वो उसी तरीके से लागू हुई है, नंबर वन, और नंबर टू ये देखना क्या उससे जो रिजल्ट जनरेट हुए क्या वो वही है जो हमने सोचे थे। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का पर्पस दो चीजें देखना है, क्या स्ट्रेटेजी जैसी सोची गई थी उसी ढंग से लागू की, या उसमें चेंज करना पड़ा हमें एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली, और दूसरी बात क्या इस स्ट्रेटेजी ने वो सारे रिजल्ट दिए जिसको सोच कर इसे बनाया गया था। अगर ये दोनों कामों में पूरी पाई जाती है तो हम कहेंगे बेटा हमारा सोच, हमारी स्ट्रेटेजी, हमारा निर्माण, हमारी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, जैसा सोचते हैं वैसे ही परिणाम आता है, वैसे ही रिजल्ट आता है। लेकिन अगर हम सोचते कुछ और हैं, लागू करते कुछ और है, रिजल्ट कुछ और आता है, इसका मतलब स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आपको कहेगा आप अपने थॉट प्रोसेस में परिवर्तन लाएं, क्योंकि जो आप सोचते हैं वैसा लागू नहीं होता, और जो लागू होता है वो रिजल्ट नहीं दिया करता। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। बात आई सबको समझ में बेटा? ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेटेजी एज इट इज फॉर्मुलेटेड एंड इंप्लीमेंटेड, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड चेंजिंग वेयर एवर इट इज नीडेड। जहां जहां परिवर्तन है वहां किया जाए बेटा। अब हम बात करेंगे चार प्रकार के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आगे चार प्रकार में डिवाइडेड होता है बेटा। कौन से वो चार प्रकार बेटा? प्रमाइसिस कंट्रोल, मतलब आपका अजम्पशन सही है या नहीं है, अजम्पशन के ऊपर ध्यान देंगे। स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस, एक फोकस तरीके से, अनफोकस तरीके से कई सारी चीजों को देखेंगे। स्पेशल अलर्ट, कोई भी एक्सेप्शन जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देंगे और उसका अच्छा बुरा प्रभाव हम पर क्या पड़ता है इसके बारे में सोचेंगे। और लास्ट होगा बेटा इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, मतलब आपने जो चीजें इंप्लीमेंट की है उनसे क्या हमें रिजल्ट मिल पाए, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। तो चार प्रकार के कंट्रोल होते हैं बेटा। प्रमाइसिस कंट्रोल, अजम्पशन आपका सही है या नहीं है, गलत अजम्पशन पे अगर आप कोई कंट्रोल लगा रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी गलत ही आएगा बेटा। स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस का मतलब होता है दुनिया भर की जानकारी अलग अलग जगह से इकट्ठा करो, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, इसके अलावा कोई सेमिनार अटेंड करके, टीवी के न्यूज से बेटा, इसको कहते हैं अनफोकस कंट्रोल। फिर स्पेशल अलर्ट होता है बेटा, जैसे कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, या बेटा अचानक बाढ़, भूकंप और ये आ जाए, या कोई ओलंपिक गेम की घटना हो जाए, या बेटा एक कोविड की सिचुएशन आ जाए, तो ऐसी कोई भी अनयूजुअल अकरेंसेस आपके बिजनेस पे अच्छा बुरा क्या प्रभाव डालती है उसके अनुसार स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना स्पेशल अलर्ट कंट्रोल कहलाता है। और लास्ट होता है इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, लागू करने के बाद क्या हमें शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में वो सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने का मौका मिला जिसको हम चाहते थे। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के चार प्रकार। क्या इतना सबको समझ में आया? बोलो जी, बोलो जी हाँ। क्या इतना सबको समझ में आया? बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ।
श्वेता को समझ में आ गया, बाकी बच्चे भी बता दोगे तो बेटा मुझे पता चलेगा कि मैंने जो बात कही है वो आप तक पहुंच चुकी है। व्हाट आई एम टेलिंग यू, आर यू लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट वेल, ये बेटा मुझे चैट बॉक्स में आप बताएंगे बेटा, तो फिर मैं आगे और पढ़ाऊंगा आपको। श्वेता ने कह दिया यस सर, भरत ने कह दिया यस सर, बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं बेटा? अरे कह दो ना, समझ में आ गया। हाँ हमें समझ में आ गया। विकास गोस्वामी ने कह दिया, संकेत शाण ने कह दिया और समरी भी बना दी, बहुत अच्छा बेटा। जी क्लियर क्लियर हो गया, की करिए की करिए, वो साडा क्लियर हो गया, की करिए की करिए, वो मौजा मौजा हो गई, की करिए की करिए, वो साडा क्लियर हो गया, की करिए की करिए। एलोनिस्ट मस्किन पूछ रहे हैं सर, इज दिस रेलेवेंट फॉर स्ट्रेटेजिक लेवल इन चाइना इन साइमा अज़रबैजान? हाँ बेटा, यस एलोनिस्ट, इट कैन बी यूजफुल टू द स्ट्रेटेजिक लेवल इन SIMA सीमा अज़रबैजान। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ऑलवेज यूजफुल टू द ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर दे आर ऑपरेटिंग इन इंडिया और इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक अज़रबैजान। चले भाई आगे, चलो वी आर मूविंग अहेड ऑफ इट बेटा। अगला टॉपिक लेते हम लोग, अगला टॉपिक स्ट्रेटजी ऑडिट, क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट फॉर May 21 स्ट्रेटजी ऑडिट। आज किसने इस पे हरा रंग डाला? आज बत्रा सर ने डाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो गया। आज किसने है इस पे हरा रंग डाला? अजी बत्रा सर ने डाल दिया हरा रंग, क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज स्ट्रेटजी ऑडिट, व्हाट इज स्ट्रेटजी ऑडिट? बेटा ऑडिट जो शब्द है ना वो बहुत बड़ा है, आप केवल उसको फाइनेंशियल ऑडिट तक ही सीमित मत रखें बेटा। आप सीमित मत रखें अपने आप को कि आप केवल फाइनेंशियल ऑडिटर बनेंगे। आप बेटा IAS ऑडिटर भी बनेंगे, आप फाइनेंशियल ऑडिटर भी बनेंगे। ऑडिट बेटा बहुत बड़ा शब्द है, जैसे बेटा ऑडिट में एक होता है फाइनेंशियल ऑडिट जो चैप्टर जो आप पेपर नंबर 6 में पढ़ते हैं, एक होती है स्ट्रेटजी ऑडिट जो मैं आप सिखाऊंगा बेटा आपको स्ट्रेटजी में, एक होती है एनर्जी ऑडिट जो बत्रा सर किया करते हैं, एक होती है बेटा IAS ऑडिट। IAS ऑडिट बेटा बत्रा सर ने आपको सिखाया है काफी सारा चैप्टर नंबर 3 में, है ना, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में और बाकी चीजों के बारे में बेटा। तो आप देख रहे हैं IAS ऑडिट करने के लिए इंस्टीट्यूट आपसे एक DISA का एग्जाम क्लियर करवाती है, तब बेटा आपको ऑडिट के क्षेत्र में काम करने को मिलता है। एक ऐसा ही होता है बेटा सीसा, जो सीसा है बेटा वो क्या है, डीसा तो आपका डिप्लोमा है, और सीसा क्या है बेटा, सीसा क्या है आपका, सीसा आपका बेटा बड़ा एग्जाम है ऑडिट का। ठीक है, हाँ, जिसके मदद से बेटा आप ये कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बेटा, चलो सबको क्लियर हो गया। तो बेटा ऑडिट फाइनेंशियल सेक्टर की हो जाए, ऑडिट एनर्जी की हो जाए, ऑडिट स्ट्रेटजी की हो जाए, ऑडिट IAS की हो जाए बेटा, सब अलग अलग तरीके की ऑडिट्स हैं। तो जब आपकी बनाई हुई स्ट्रेटजी को हम चेक करते हैं ये जानने के लिए कि जो स्ट्रेटजी इसने बनाई उसकी अजम्पशन सही थी कि नहीं थी, इस स्ट्रेटजी को बनाते वक्त क्या उस समय के सर्कमस्टांसेस और एनवायरनमेंट थे, इस स्ट्रेटजी के फैक्टर्स क्या हैं, इसने क्या अचीव करना था, इसने क्या अचीव किया, अगर ये अचीव कर पाया तो अच्छी बात, नहीं है तो इसने उनको अचीव करने के लिए अपने पाथ में क्या चेंजेस किए,
ये सारी चीजें हम स्ट्रेटजी ऑडिट के थ्रू ही किया करते हैं मेरे बच्चा। तो बेटा आओ आपको बात बताते हैं स्ट्रेटजी ऑडिट कैसे अचीव करेंगे। आओ बेटा मैं बताता हूं, आपको बताता हूं, ठीक है। स्ट्रेटजी ऑडिट क्या है? स्ट्रेटजी ऑडिट इज ए एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एरिया। सो इट इज व्हाट? इट इज एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एरिया इफेक्टेड बाय द ऑपरेशन ऑफ द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रेटजी के कारण क्या क्या चीजों पर फर्क पड़ा और वो फर्क पॉजिटिव पड़ा है कि निगेटिव पड़ा है, इस बात को एग्जामिन करना, इवैल्यूएट करना क्या कहलाता है? स्ट्रेटजी ऑडिट कहलाता है, स्ट्रेटजी ऑडिट कहलाता है। तो स्ट्रेटजी ऑडिट के कीवर्ड क्या होगा मेरे बच्चा? इट इज एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एरिया इफेक्टेड बाय द ऑपरेशन ऑफ द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सब चीजें करना बेटा स्ट्रेटजिक ऑडिट कहलाता है। इसके लिए हमें अपने प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब जाके हम स्ट्रेटजी ऑडिट कर पाएंगे। मैं एक छोटे से उदाहरण को द्वारा आपको समझाता हूं बेटा, आपको समझाता हूं बेटा। पहला नैनो जिस तरीके से बेटा रतन टाटा ने बनाई और उसको सक्सेस करवाना चाहते थे, वैसी सफलता रतन टाटा को नैनो में नहीं मिली बेटा। हालांकि नैनो का कंसेप्ट बहुत अच्छा था। रतन टाटा ने एक दिन, एक बेटा बरसात के दिनों में बजाज स्कूटर पे हस्बैंड वाइफ और दो बच्चों को जाते हुए देखा, तब उनके दिमाग में प्रश्न आया, क्या हम एक ऐसी अफोर्डेबल कार नहीं बना सकते जो सर्दी गर्मी बरसात से एक फैमिली को बचा के दे सके। मियां बीवी और दो बच्चे आराम से एक कार में जा सके, वो बेकार न रहें, इस तरीके से सर्दी गर्मी बरसात से बच जाएंगे बेटा। और उन्होंने उसकी प्राइस भी बहुत अच्छी सोची बेटा, 1,00,000 रुपये लख टकिया कार, इस नाम से बेटा उसे प्रचारित किया गया। बस बेटा यहीं पे आके रतन टाटा की आम गड़बड़ हो गई। कार बहुत बढ़िया बनी बेटा, कार बहुत छोटी थी, आसानी से सड़कों पे चल सकती थी, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत छोटा सा था बेटा, लेकिन उसके साथ जो ये सबसे सस्ती कार का टैग लोगों ने जोड़ दिया बेटा, उस कारण से भारत में ये चलन में नहीं आई। क्योंकि बेटा हमारे यहाँ इंडियन मेंटालिटी है, खाने को पैसे ना हो लाले पड़ रहे हो, फाके पड़ रहे हो, लेकिन बेटा हम रहना चाहते हैं महंगे घर में, हम लेना चाहते हैं सबसे महंगी गाड़ी बेटा। सस्ते घर में और सस्ती गाड़ी में कोई नहीं चलना चाहता, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में घर और गाड़ी स्टेटस सिंबल मांगा जाता है बेटा। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं बेटा, हिंदुस्तान में कई जगह हाउसिंग बोर्ड के मकान बने हैं बेटा, उसमें कुछ मकान होते हैं 1 BHK वाले, उनको कहते हैं लो इनकम ग्रुप LIG, फिर होता है 2 BHK, उनको कहते हैं MIG, मीडियम इनकम ग्रुप, फिर होता है बेटा 3 BHK, उसको कहते हैं HIG। अब बेटा आपकी ताकत या हिम्मत बेटा LIG भी लेने की नहीं है, लेकिन बेटा इच्छा रहती है कि हमें HIG में रह के एक स्टेटस से देखा जाए। इसी तरीके से बेटा कार बहुत बेटा हमें महंगी वाली चाहिए, क्योंकि कार चलाना हमारे लिए जिंदगी का एक बढ़िया अनुभव होता है, और हम सब चाहते हैं बेटा कार तो ऐसी होनी चाहिए कि बेटा वो पोर्शे हो, वो बेटा मर्सिडीज बेंज हो, वो बेटा MG हेक्टर हो, वो बेटा क्रेटा हो, वो बेटा हिंदुस्तान और दुनिया की सबसे बढ़िया गाड़ी हो बेटा, क्योंकि वो हमारे स्टेटस से जुड़ी हुई है। तो रतन टाटा बेटा यहाँ आके फेल हो गए, क्योंकि उनकी गाड़ी के साथ लेबल लग गया बेटा सबसे सस्ती कार का, और हिंदुस्तानी सबसे सस्ती कार के साथ जुड़ना नहीं चाहता। अगर कोई नैनो में चला जाए और बेटा लोग देख ले तो यही कहते हैं अच्छा अच्छा इसके बाद पैसे नहीं होंगे जब ये नैनो लाए। जबकि बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही नैनो खूब एक्सपोर्ट हो रही है भारत से यूरोप की तरफ, और यूरोप में लोग समझदार है, वहां स्टेटस सिंबल के तौर पे नहीं सुविधा के तौर पे ले जाते हैं। ये जितने भी एसेट और गैजेट हम यूज करते हैं बेटा, ये सब हमारी सुविधा के लिए। एप्पल का फोन होना स्टेटस सिंबल है भारत में, लेकिन दुनिया में लोगों के लिए केवल फोन है, हमारे लिए वो स्टेटस का सिंबल है बेटा। मर्सिडीज बेंज होना हमारे पास, पोर्शे होना हमारे पास, लैम्बोर्गिनी होना हमारे पास में, है ना, ये सब किस गाड़ी के, ये बेटा स्टेटस के लिए बताई जाती है। तो यहां आके बेटा रतन टाटा की स्ट्रेटजी फेल हो गई। बत्रा सर ने एक रियल टाइम एग्जांपल से बेटा स्ट्रेटजी ऑडिट को समझाया, क्या आप बच्चों के समझ में आया? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे बेटा, क्या आपको मेरा स्ट्रेटजी ऑडिट को समझाने का तरीका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ में आया? बोलो जी हाँ। संकेत शाणे ने बेटा बहुत बढ़िया समरी लिख दी है।
श्वेता राठौड़ को आ गया। बाकी बच्चे भी बताएं भाई, क्या आपको बत्रा सर की कही हुई बात समझ में आई? क्या बत्रा सर ने जो बात आपको बताई क्या आप सबके समझ में आई? जल्दी से मुझे बताई। श्वेता ने कह दिया, युक्ति ने कह दिया, क्षितिज ने कह दिया, बाकी बच्चे भी कह दो भाई फटाफट से। तो बत्रा सर चले इससे अग्गे अग्गे और अग्गे। संकेत इट इज गुडम गुड। संकेत ने अच्छी समरी बना ली बेटा। संकेत की समरी भी पढ़ लोगे तो बेटा आपको पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा। चलो बेटा, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। कोर ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑडिट, उसमें बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने होते हैं। जैसे पहला, हाउ वेल इज द करंट स्ट्रेटेजी वर्किंग। क्या अगर आपकी अभी स्ट्रेटेजी की बात करें वो आपको अच्छे रिजल्ट दे रही है? हाउ वेल द करंट स्ट्रेटेजी बी वर्किंग इन द फ्यूचर। क्या आगे भी ऐसे ही काम करेगी बेटा? हाउ कैन दिस बी इवेल्युएटेड इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या आज और भविष्य में दोनों को एक साथ देखें तो क्या ये ठीक काम करती नजर आती है? हाउ अर्जेंट इज अ नीड टू चेंज द स्ट्रेटेजी। क्या इसमें कुछ बदलाव करना है और बदलाव करना कितना जरूरी है? इन सब चीजों के जवाब हम स्ट्रेटेजी ऑडिट में ढूंढते हैं बेटा। क्या ढूंढते हैं बेटा? हम ढूंढते हैं करंट स्ट्रेटेजी कैसे काम कर रही है, क्या फ्यूचर में भी काम करेगी, प्रेजेंट और फ्यूचर में काम करेगी प्रॉपर तरीके से, और बेटा इसके माध्यम से हमारा काम आसान होगा या नहीं होगा, ये बेटा हम देखा करते हैं। अब बात आती है जरूरत क्यों है, व्हाट इज द नीड ऑफ स्ट्रेटजी ऑडिट, व्हाट इज द नीड ऑफ स्ट्रेटजी ऑडिट बेटा। तो स्ट्रेटजी ऑडिट की जरूरत क्यों है, आओ बेटा हम बताते हैं। पहला, जब आपकी करंट स्ट्रेटजी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है और डिजायर्ड आउटकम नहीं दे रही होती है बेटा, तो हमें स्ट्रेटजी ऑडिट की जरूरत होती है। जब वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर रही होती है तो हमें स्ट्रेटजी ऑडिट की जरूरत होती है। जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भयंकर चेंजेस हो जाते हैं तो हमें स्ट्रेटजी ऑडिट की जरूरत होती है। जब टॉप मैनेजमेंट नया कुछ प्लान कर रही होती है, अपने आप को फाइन ट्यून कर रही होती है, तो हमें स्ट्रेटजी ऑडिट की जरूरत होती है बेटा। ये स्ट्रेटजी ऑडिट लगातार फीडबैक और लगातार लोगों से बातचीत करने के बाद बनाई जाती है बेटा। इसमें तीन बेसिक एक्टिविटी होती है। पहला, एग्जामिन करो क्या आपके एग्जिस्टिंग प्रजम्पशंस या अजम्पशंस सही है या नहीं है बेटा। सेकंड, आप कंपेयर करो अपने एक्चुअल रिजल्ट को विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट। और तीसरा, आप इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन लो अगर आपकी परफॉर्मेंस एज पर द प्लान प्रोसीड नहीं कर रही है बेटा। तो तीन चीजों पे आपको ध्यान देना है। सर कौन सी तीन चीजों पे ध्यान देना है बेटा? तीन चीजों पे आपको ध्यान देना है। वो तीन चीजें हैं, सबसे पहला कंपेयर करो बेटा, कंपेयर करो अपने आप को कि आपके एग्जामिन करने से, कि क्या आपके एग्जामिन करने से आपके एग्जिस्टिंग काम ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कंपेयर करने से एग्जिस्टिंग को फ्यूचर के साथ में रिजल्ट ठीक मिल रहे कि नहीं मिल रहे, और क्या हम करेक्टिव एक्शन ले पा रहे हैं जिसकी वजह से सारी चीजें ठीक हो रही है बेटा। यहां आ जाता है बेटा रिचर्ड रूमेल्ट का एक स्ट्रेटजी ऑडिट का चार स्टेप क्राइटेरिया बेटा। रिचर्ड रूमेल्ट एक व्यक्ति हुए बेटा जिन्होंने स्ट्रेटजी ऑडिट के बारे में चार स्टेप का एक फॉर्मूला दिया है बेटा। मैं पहला है बेटा इसमें कंसिस्टेंसी, आपकी स्ट्रेटजी कंसिस्टेंट होनी चाहिए बेटा, उसमें कोई भी इनकंसिस्टेंट एलिमेंट नहीं होने चाहिए। और स्ट्रेटजी कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है इस बात का पता हम लगा सकते हैं। अगर आपने लोगों को प्रॉब्लम आने लगी, आपने लोगों को निकाल दिया, लोगों को निकालने के बाद भी प्रॉब्लम बनी रही, इसका मतलब आपकी स्ट्रेटजी इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम लोगों की वजह से नहीं थी, प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी के निर्माण में या उसके बनने में है। कई बार हमें लगता है बेटा लोगों को निकाल लें
जिनकी वजह से बेटा रोज रोज शिकायतें लेके आ रहे हैं। एक आदमी रोज रोज शिकायत लेके आवे तो बेटा अपन शिकायत पर तो ध्यान देवे नहीं और उस आदमी को निकाल दें कि आदमी रोज रोज शिकायत लेके आता, आदमी गड़बड़ है, निकाल दो। मालूम पड़ा दूसरा आदमी रखा वो भी शिकायत लेके आ रहा है, उसको भी निकाल दिया। तीसरा रखा वही शिकायत लेके आ रहा है। इसका मतलब बेटा आदमी में गड़बड़ नहीं है, आपके सिस्टम में गड़बड़ है। उसको सुधारो ना बेटा, रूट कॉज में पहुंचो, तो आपकी स्ट्रेटेजी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। अगर बेटा आदमियों को बदलने से भी स्ट्रेटेजी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, आपके एक डिपार्टमेंट की सफलता दूसरे की असफलता मानी जाती है तो आपकी स्ट्रेटेजी इनकंसिस्टेंट है। हमारे यहां तो कलेक्टिव काम होता है बेटा। तीसरा, अगर आपकी प्रॉब्लम बार बार नीचे से लेके ऊपर तक लाई जा रही है बेटा तो आपकी स्ट्रेटेजी इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि आपके यहां पॉलिसी पैरालिसिस है बेटा। पॉलिसियां आपके ठीक नहीं है, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। दूसरे को कहते हैं बेटा अपन कॉन्सोनेंट, परिस्थितियों के हिसाब से स्ट्रेटेजी बननी चाहिए बेटा। मैं कल रात को बेटा ओयो रूम के संस्थापक रितेश अग्रवाल की स्टोरी को देख रहा था बेटा। उससे विवेक बिंद्रा ने पूछा बेटा, जो खुद एक मैनेजमेंट कोच है बेटा, बिजनेस कोच है, उन्होंने पूछा कि रितेश अग्रवाल ये बताएं, इस कोविड की सिचुएशन में जहां हमारी होटल इंडस्ट्री को बैडली इफेक्ट किया बेटा, आप क्या सोचते हैं? तो बेटा रितेश ने कहा कि नो डाउट हॉस्पिटलिटी को, एयरलाइंस को और बेटा कुछ और इंडस्ट्री को इसने बैडली इफेक्ट किया है, लेकिन हमारे लिए ये इंट्रोस्पेक्टिव का टाइम है। हम बेटा इस समय जब कोई चीज नहीं कर पाते थे वो अब करते हैं, हम अपना हाउस ऑर्डर में कर लें, हम अपनी चीजों को ठीक कर लें, हम अपनी कमियों को दूर कर लें, क्योंकि इसके बाद जब वापस अपबीट आएगा हमारा सारा काम, तब बेटा हमारे को करने का समय नहीं मिलेगा। तो आप क्या करें बेटा, कोई भी स्ट्रेटेजी जो बनाए वो समय के अनुसार बनाए, इसको कहते हैं कॉन्सोनेंस या तालमेल बिठाना। जैसे बेटा हिंदुस्तान में आजकल बालिका शिक्षा बहुत है और उसकी वजह से बेटा हमारे यहां पे मदरहुड के बाद लड़की काम पे अगर जाती है तो अपने छोटे बच्चे को बेटा क्रैच में या बेटा बेबी सिटर के पास या आया के पास या बेटा डे केयर सेंटर में छोड़ के जाया करती है। तो बेटा कई घरों में लेडीज ने जो बेटा दोपहर के बाद फ्री हो जाती थी अपने घर में डे केयर बेबी केयर सेंटर शुरू कर दिया, दूसरे के बच्चों को संभालने लगे और पर बच्चा इस तरीके से बेटा कुछ हजार रुपए वो अर्न करने लगे। तो बेटा ये स्ट्रेटेजी कैसी है, आपने समय के अनुसार अपने आप को बदल के इस स्ट्रेटेजी को अपनाया है। अब कोविड से पहले बेटा जगह जगह पीजी हॉस्टल बहुत डेवलप हो गए थे, लोग बाहर से आके रहा करते थे, खाना पीना होता था और बेटा हर घर वाले को जिसके पास एक्स्ट्रा कमरे होते थे एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ इनकम होती थी। पिछले एक डेढ़ साल से कोविड के कारण लोगों का मूवमेंट बंद है और बेटा आगे भी बंद रहेगा। तो अब बेटा क्या पीजी अब उतने अच्छे से चल पाएंगे, क्योंकि फेस टू फेस एजुकेशन के बजाय ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना चलन में आ चुका है, हर आदमी एजुकेशन करता है। तो अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करना पड़ेगा, इसको कहते हैं बेटा कॉन्सोनेंस। तीसरी होती है बेटा फीजिबिलिटी का मतलब होता है आप जो भी स्ट्रेटेजी बनाओ वो स्ट्रेटेजी कहीं भी आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को बहुत जल्दी कंज्यूम ना कर दे, मतलब ओवरटैक्स ना कर दे, और ऐसा भी नहीं हो कि आप उनका भरपूर उपयोग ही नहीं कर पाए, मतलब अंडर यूटिलाइज रह जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके रिसोर्सेज को फीजिबल तरीके से यूज करने का तरीका आपको निकालना पड़ेगा और इसी को हम कहते हैं फीजिबिलिटी। और चौथा होता है बेटा आपको मिलनी चाहिए इससे एडवांटेज। अगर आपकी स्ट्रेटेजी से आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलती है, आप अपने क्षेत्र में दूसरों से आगे रहते हैं, तो ऐसी स्ट्रेटेजी का तो फायदा है, वरना ऐसी स्ट्रेटेजी का फायदा क्या है बेटा। तो आपको तीन एरिया में फायदा मिलना चाहिए, रिसोर्सेज पहले से आप कम इस्तेमाल करें आपकी स्ट्रेटेजी लगने के बाद, स्किल आपकी पहले से बेटर हो जाए और पोजीशन आपकी अच्छी हो जानी चाहिए, तब हम कहेंगे आपको मिली है एडवांटेज। और बेटा इन चार टॉपिक्स को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, कॉन्सोनेंस, फीजिबिलिटी और एडवांटेज। तो बेटा शॉर्ट में अपन कहते हैं C-CFA इसका बेटा एब्रीवेशन है, C-CFA इसका एब्रीवेशन है, जिसका मतलब है कॉन्सोनेंस, कंसिस्टेंसी, फिजिबिलिटी एंड एडवांटेज। क्या बेटा आप सबको समझ में आया? फटाफट से मुझे बेटा चैट बॉक्स में बताएं क्या आपको टॉपिक समझ में आया बेटा, क्या होता है स्ट्रेटेजी ऑडिट। मैं संकेत को कहूंगा बेटा कॉन्सोनेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले बेटा, कॉन्सोनेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो ये।
बेटा कॉन्सोनेंस का मतलब होता है परिस्थितियों के हिसाब से अपना तालमेल बिठाओ। मैंने एग्जाम्पल दिया बेटा, आज इस कोविड की स्थिति के हिसाब से बेटा देखा जाए तो आप पीजी हॉस्टल नहीं चलते हैं बेटा। अगर कोई अपने घर के कमरों को खाली करा के पीजी में डेवलप कर रहा है तो कोविड के बाद भी नहीं चलेंगे, क्योंकि अब लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन समझ में आ गई है। वो अपने घर से बेटा निकल निकल के आपके शहर में, दिल्ली में, मुंबई में, पूना में अब आके बेटा नहीं रहेंगे। भले ही कोई कितना ही बुला ले बेटा कि मैं आपको फ्री अकोमोडेशन दूंगा, मैं आपको ये सब्जेक्ट फ्री पढ़ा दूंगा, इस पे मैं ये आपको दे दूंगा, लोग घर से निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया जब घर बैठे ये चीज हो सकती है तो घर से निकल के जाना क्यों बेटा। अब किसी को बाहर ही निकलना वो बात अलग है, वरना बेटा घर बैठे सब कुछ होता है, तो आदमी अपना घर का शहर क्यों छोड़े। वहां आने के बाद बेटा आने रहने का, ठहरने का, खाने का कुछ ना कुछ तो खर्चा लगता ही है बेटा। कितना ही लोग कहते हैं हम फ्री अकोमोडेशन देते हैं, वो फीस में बेटा वसूल लिया करते हैं। तो बेटा ये सब आप बात समझ में आती है लोगों को, तो कॉन्सोनेंस कहता है आप पीजी नहीं चलेंगे। आने वाले टाइम में बेटा वो चीजें चलेगी जो कोविड के बाद की परिस्थितियों को देख के की जाएगी। तो आप ट्रेंड को देखो और ट्रेंड के अनुसार अपने आप को बेटा ठीक करो। क्लियर है? क्षितिज को भी समझ में आ गया और संकेत को भी समझ में आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये था बेटा स्ट्रेटजी ऑडिट, समझ में आ गया सबको। अब बात आता है बेटा एक खास सवाल की, एक खास सवाल, रीजन व्हाई स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन इज मोर डिफिकल्ट इन टुडे, आज के एनवायरनमेंट में स्ट्रेटजी की इवैल्यूएशन करना मुश्किल क्यों है बेटा। पहला, एनवायरनमेंट बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, एनवायरनमेंट बड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है बेटा। सेकंड, इसका प्रिडिक्शन करना फ्यूचर में और मुश्किल होगा, वेरिएबल बढ़ते चले जा रहे हैं जिन पे हमारी डिपेंडेंसी है, रेट ऑफ ऑब्सोलेंस बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है बेटा, बहुत जल्दी चीजें ऑब्सोलीट होती जा रही हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड इवेंट, इतने सारे इवेंट हो रहे हैं जिनका आप पे अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है, और डिक्रीजिंग टाइम स्पैन फॉर प्लानिंग, प्लानिंग में समय पहले से कम मिलता है बेटा। ये कुछ रीजन है जिस वजह से इवैल्यूएशन मुश्किल हो रहा है, ये एक अलग से सवाल है बेटा, मैं कहूंगा जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा आपसे May 21 में, तो तैयार कर लेना बेटा इसको। क्या सवाल है? रीजन व्हाई स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन इज डिफिकल्ट टुडे बेटा। तो पहला क्या कारण बताया? एनवायरमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना इंपॉसिबल होता जा रहा है, वेरिएबल्स जो आपके हैं वो बढ़ रहे हैं बेटा, रेट ऑफ ऑब्सोलेंस जो है वो तेजी से बढ़ रहा है बेटा, आपके नंबर ऑफ डोमेस्टिक और वर्ल्ड इवेंट इतने हो रहे हैं जिनका आप पे अच्छा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, आप अपने प्लानिंग के समय में कमी पाते हैं बेटा, पहले से कम समय में प्लान करना पड़ रहा है। तो ये बेटा डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिन कारण से इवैल्यूएशन मुश्किल होता चला जा रहा है। अब बेटा कल हम लेंगे अगला सवाल जो होगा बेटा BPR, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो बेटा May 21 में आपसे पूछा जा सकता है। तो कल बेटा हम इसको फिनिश करने जा रहे हैं, क्योंकि कल है 31 अगस्त, और बेटा हमारे सारे इंपॉर्टेंट सीरीज कल थमने वाली है। कल इसमें दो टॉपिक है बेटा आपके लिए, एक BPR और एक बेंचमार्किंग, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 बेटा, कल दोनों कर डालेंगे आपके लिए, कल दोनों कर डालेंगे, क्योंकि बेटा कल है 31 मार्च 2021, और बेटा कल हमारी खत्म हो जाएगी 12:30 वाली क्लास, कल लास्ट लेंगे 12:30 वाली क्लास बेटा YouTube के ऊपर फ्लो चार्ट के इंपॉर्टेंट के लिए, कल फ्लो चार्ट के इंपॉर्टेंट खत्म हो जाएंगे बेटा 12:30 बजे वाले YouTube की क्लास में। उसके बाद बेटा कल 2:30 बजे और रात को 10:30 बजे हम बेटा 2 बार और पढ़ेंगे बेटा ऐप के ऊपर स्पेशल क्लास में, और तब हम बेटा क्या करेंगे EIS और IT के इंपॉर्टेंट भी कल खत्म कर देंगे, चैप्टर 5 पढ़ते हुए बेटा, चैप्टर 5 पढ़ते हुए इसको भी खत्म कर देंगे। और बेटा कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय 4:30 बजे YouTube पे, तब बेटा हम SM के इंपॉर्टेंट खत्म कर देंगे, चैप्टर नंबर 8 को पढ़ते हुए 2 टॉपिक अब और बचे हुए बेटा, बेंचमार्किंग और BPR, ये दोनों और पढ़ के बेटा हम खत्म कर देंगे। सर फिर क्या करेंगे? अरे हवड़ करेंगे। अरे नहीं मेरे बच्चों, 1 अप्रैल आ रहा है ना बेटा, तो 1 अप्रैल 2021 बत्रा सर 2 नए बैच ला रहे हैं बेटा। पहला बैच है May 21 के लिए, किसके लिए आ रहा है बेटा? पहला May 21 के लिए आ रहा है, बैच का नाम रखा है हमने ड्रीम बैच, ये लगेगा स्पेशल क्लास में ऐप के ऊपर। कब लगेगा बेटा? 2 बजे से लेके 3:30 तक लगेगा बेटा। कब लगेगा बेटा? Monday to Saturday लगेगा। कब लगेगा बेटा? Monday to Saturday रोज लगेगा बेटा, रोज लगेगा। दूसरा बेटा बैच लाएंगे हम नवंबर के लिए, इस बैच का नाम रखा है उम्मीद बैच,
ये बेटा YouTube पे लगेगा, दो बार लगेगा, 12 से 1 बजे और 4:30 से 5:30 बजे बेटा, दो समय लगेगा बेटा। ये भी लगेगा मंडे टू सैटरडे बेटा, ठीक है। ये बेटा हमारा रेगुलर बैच होगा, ये हमारा रेगुलर बैच होगा और करीब 7 महीने में पूरा करेंगे बेटा। मतलब 1 अप्रैल से शुरू करके इसको बेटा हम फिनिश कब करेंगे, 7 अप्रैल शुरू करके बेटा फिनिश कब करेंगे, इसकी फिनिश डेट होगी बेटा, इसकी फिनिश डेट होगी 30 अक्टूबर, ये 30 अक्टूबर को फिनिश करेंगे और ये 1 अप्रैल से शुरू करके 10 मई को फिनिश करेंगे बेटा। ये 40 दिन का है बेटा और ये बेटा 7 महीने का कोर्स है। तो मई वालों का बैच 40 दिनों का बेटा, 40 डेज, 1 तारीख से शुरू करके 10 मई को खत्म। और नवंबर वालों का जो रेगुलर बैच लगेगा बेटा वो 7 महीने का है, 1 अप्रैल से शुरू करके ठेठ जाके बेटा अक्टूबर में फिनिश करेंगे हम इसको। बात आई क्या सबको समझ में? बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, हाँ हाँ हाँ। तो आज की कक्षा कैसी लगी बेटा आपको, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा आज की कक्षा कैसी लगी। जल्दी से हमें बताएंगे बेटा आज की कक्षा कैसी लगी, कक्षा कक्षा। तो चलिए बच्चों, आपने आज की कक्षा को पढ़ लिया, बहुत अच्छा लगा होगा आपको, ऐसा हमारा मानना है। अब बेटा आपसे मुकालात होगी, आपसे मुकालात होगी रात को 10:30 बजे, आपसे मुकालात करेंगे हम लोग रात को 10:30 बजे। सर कहाँ मिलेंगे? बेटा हम मिलेंगे अन अकेडमी के लर्नर ऐप पर। और बेटा हमारा कहना है जल्दी से प्राइसेस बढ़ने से पहले आप बेटा बत्रा सर के कहने पर प्लस आइकॉनिक या कॉम्बो ज्वाइन कर ले बेटा, अपनी जिंदगी के अच्छे डिसीजन लेते हुए, क्योंकि प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। प्राइसेस बढ़े उससे पहले पहले पुराने प्राइसेस का आप लाभ उठावें, क्योंकि बेटा लाभ उठाने में होती है लाभ, वरना हो जाती है हानि। और बेटा ये बैच जो हम 1 अप्रैल से कर रहे हैं उसका मैंने बेटा इसमें चैट बॉक्स में लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके इसको इनरोल करें, इट इज फ्री बेटा, ये आपके लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो बेटा मुकालात करेंगे हम लोग आपसे, मुकालात, ठीक है, मुकालात करेंगे, मुकालात। हम कंप्लीट रिवीजन कराएंगे इस बैच में आपको, आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, हिंदुस्तान के लीडिंग एजुकेटर पढ़ाते हैं बेटा, बत्रा सर, मोहित अग्रवाल सर पढ़ाते बेटा यहाँ पे, ठीक है, विक्रम बियानी सर, अमित पोपली सर पढ़ाते बेटा यहाँ पे। और आपको बेटा ये करना है रजिस्टर्ड, फ्री 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 बेटा, तो आप कर सकते हैं इसमें फ्री, क्लियर है। चलो इन्हीं बातों के साथ बेटा आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग इन लार्ज नंबर्स। जैन दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ ईच अदर, शेयर दिस वर्क टू अदर्स ऑल्सो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। थैंक यू।